दोस्तों आपका स्वागत है हेल्थ अपडेट्स की इस सीरीज में। तो चलिए शुरू करते हैं हेल्थ अपडेट्स। दोस्तों यहाँ पे जो पहला हेल्थ अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है धूम्रपान से किडनी रोग के खतरे को लेकर। दोस्तों यदि आपके दोस्त या आप किसी धूम्रपान करने वाले लोगों के साथ रहते हैं तो सचेत हो जाएं, क्योंकि स्मोकिंग करने का न सिर्फ आपकी सेहत बल्कि आपकी जद में रहने वाले दूसरे लोगों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। एक अध्ययन में इस बात के लिए सचेत किया गया है कि दूसरों की स्मोकिंग के साथ रहने वाले लोगों को न केवल हृदय और फेफड़ों पर उनके असर पड़ता है बल्कि इससे उनके क्रॉनिक किडनी डिजीज का भी खतरा बढ़ जाता है। इस बीमारी के कारण किडनी खराब हो सकती है। शोधकर्ताओं के अनुसार हफ्ते में 3 दिन से ज्यादा धूम्रपान की जद में रहने वाले लोगों में किडनी रोग का खतरा दोगुना पाया गया। ये निष्कर्ष 131,196 लोगों पर किए गए अध्ययन के आधार पर निकाला गया है। दक्षिण कोरिया की योंगसेई यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के अनुसार धूम्रपान पर अंकुश लगाने के लिए किए गए कानूनी उपाय के बावजूद घरों या कार्यस्थलों पर स्मोकिंग आज भी जारी है। दोस्तों यहाँ पर जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है हाई बीपी को लेकर। दोस्तों यदि आप हाई बीपी को कम करना चाहते हैं तो दोपहर के समय झपकी ले सकते हैं। इससे न सिर्फ आपका हाई ब्लड प्रेशर कम होने में मदद मिल सकती है बल्कि ऊर्जा का स्तर बढ़ने के साथ साथ आपकी मनोदशा भी बेहतर होती है। शोधकर्ताओं के अनुसार दोपहर के समय 60 मिनट सोने का संबंध ब्लड प्रेशर में कमी से पाया गया है। ये निष्कर्ष औसतन 62 साल की उम्र के 212 लोगों पर किए गए एक अध्ययन के आधार पर निकाला गया है। यूनान के एक अस्पताल के शोधकर्ताओं ने कहा कि दोपहर की झपकी से ब्लड प्रेशर को कम किया जा सकता है। ये नतीजा अहम है क्योंकि हाई बीपी कम करके हार्ट अटैक जैसे खतरों से बचा जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है घबराहट को लेकर। दोस्तों चिंता और घबराहट का सबसे बुरा प्रभाव ये है कि मरीज मनोवैज्ञानिक रूप से दवाओं पर निर्भर हो जाता है। असल में मरीज को ये विश्वास होने लगता है कि वह बिना दवाई के तनाव और दुश्चिंता के विकार से बाहर नहीं आ सकता। नतीजा ना जरूरी होने पर भी वो दवाओं का ही सहारा लेता है। एंजाइटी से बचने के लिए मरीज कुछ दवाओं पर निर्भर होते हैं। देखने में ये आया है कि उनकी याददाश्त काफ़ी कमजोर हो जाती है, याद करने में परेशानी तो आती है, साथ ही उन्हें पुरानी बातें ज़्यादा दिनों तक याद नहीं रहती हैं। दोस्तों अधिक दवाई खाने से तनाव में वृद्धि हो सकती है, रक्तचाप में कमी और सिर दर्द की समस्या भी हो सकती है। और एंजाइटी पर जो लोग दवाओं पर निर्भर रहते हैं उनके साथ उनका या तो वजन बढ़ सकता है या एकदम से वजन घटना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रिसर्च में सामने आई है हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। एंजाइटी के मरीजों जिस दवा पर निर्भर रहते हैं वो हृदय संबंधी बीमारी को बढ़ाने का काम कर सकती हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक किस मरीज पर एंजाइटी के इलाज हेतु इस्तेमाल हो रही दवा किस तरह से प्रभावित करेगी यह कहना संभव नहीं है। इसके इस्तेमाल के बाद भी इसके दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। हृदय संबंधी बीमारी इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारण है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर जानकारी पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को शेयर करना ना भूले, लाइक करना ना भूले और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। भारतीय संस्कृति को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं। हेल्थ टिप्स और होम रेमेडीज की जानकारी पाएं सबसे पहले।